इतना इम्पोर्टेंट पीपा पुल है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है, अध्यक्ष महोदय आप भी उससे वाकिफ हैं। और उसके बाद माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत मैं कहा भी हूँ कि आप इसको देखवा लीजिए, लेकिन हमको ये आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि जो इनको सवाल मिला है अभी पढ़ कर करके हमको बता दे रहे हैं। हम बउआ नहीं ना है, हम बिना देखे हुए काम कर रहे हैं क्या हम? आप इसका कोई उपाय करिए, ये साधारण काम नहीं है पीपा पुल का ये मामला, ये पूरे उत्तर बिहार को जोड़ता है, देखवाए। और देखिए नहीं तो हम अभी जा करके हम फोटो खींच करके ले आते हैं और दिखाए। नहीं जो पदाधिकारी गलत इनको रिपोर्ट दिया है क्या उन पर कार्रवाई करेंगे या? अरे वो प्राइवेट जमीन पे, तो जब पानी घट रहा है महोदय तो वहाँ गैप होता है और उसके काम कभी कभी कठिनाई जब जब होती है तब तब उसको ठीक करने का काम का निर्देश दिया गया है और लगातार उसको ठीक 3 बार ठीक किया गया महोदय। और मैं फिर माननीय सर से कहता हूँ कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जब भी ऐसी स्थिति आती है प्राइवेट जमीन वाले से हमने बातचीत भी किया हमारे विभाग के लोगों ने और बातचीत करके सहमति बनाया है ताकि लोगों को कठिनाई नहीं चले। अगर शिवचंद्र बाबू को लगता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो जाने वाला है, खराब हो गया है, आप कहें मैं पीपा पुल हटा लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा महोदय, वस्तु स्थिति यह कि पटना जिला अंतर्गत गाय घाट के उत्तरी छोर हाजीपुर की तरफ किसी तरह का बृहद कटाव नहीं हो रहा है जिसके कारण पीपा पुल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। पीपा पुल का संचालन परिचालन ठीक ढंग से हो रहा है एवं आवागमन प्रभावित नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नंदकिशोर बाबू पूरे पुराने मंत्री हैं और खास करके पटना के भी हैं और हमारे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं। बड़ी अफसोस आता है, हम भी मंत्री रहे हैं, जो जवाब बना करके इनको दिया है पदाधिकारी, हम कहते हैं कि माननीय मंत्री जी किसी को भेजे मेरे साथ। और इतना इम्पोर्टेंट पीपा पुल है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है, अध्यक्ष महोदय आप भी उससे वाकिफ हैं और पूरे सिक्किम तक करके, सिलीगुड़ी तक करके, नेपाल तक देश तक के लोग उससे आते और जाते हैं और 1 किलोमीटर में लगातार कट रहा है। और जो पीपा पुल इनके जो बनाए गए हैं उसमें लगातार 3 बार गाड़ी हमारी नीचे चली आई है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत मैं कहा भी हूं कि आप इसको देखवा लीजिए, लेकिन हमको ये आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि जो इनको सवाल मिला है अभी पढ़ कर करके हमको बता दे रहे हैं। हम बउआ नहीं ना है, हम बिना देखे हुए काम कर रहे हैं क्या हम? आप इसका कोई उपाय करिए, ये साधारण काम नहीं है पीपा पुल का ये मामला, ये पूरे उत्तर बिहार को जोड़ता है, देखवाए। और देखिए नहीं तो हम अभी जा करके हम फोटो खींच करके ले आते हैं और दिखाए। नहीं जो पदाधिकारी गलत इनको रिपोर्ट दिया है क्या उन पर कार्रवाई करेंगे या? अरे क्या महोदय, पूरक क्या है? पूरक क्या ही तो बोले ना, सवाल ही नहीं किया कोई। अरे सवाल हम इनको नहीं समझ पाए तो हम क्या करें? ये कहते हैं कि कोई कटाव नहीं हो रहा, मेरा इसी पर कहना है कि कटाव हो रहा है और कटाव ही नहीं हो रहा है। पीपा पुल का स्थिति बिल्कुल पूरी कटाव, सर थोड़ा नहीं है ये, लगभग कहते 20-20 फीट कटा हुआ है, डेली कट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पीपा पुल का वही जर्जर स्थिति है, उसका जो व्यवस्था है डेली एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन आश्चर्य जा रहा है वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि कोई कटाव नहीं हो रहा है। हम ये देखना चाहते हैं, इसको तो देखिए, इसको जांच तो करवाइए। नहीं इसको जांच तो करवाइए, नहीं जांच करवाइए, नहीं तो फोटो खींच करके हम ले आएंगे, मुख्यमंत्री जी बैठे मैं इनको दिखाऊंगा। बोलने दीजिए महोदय। महोदय शिवचंद्र बाबू मंत्री रहे, माननीय मंत्री रहे हैं और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, महोदय अगर ये मंत्री रहते और माननीय सर इसी प्रकार बोलते तो कैसा लगता है उनको? महोदय आपको जो पूछना चाहिए हम जवाब देने तैयार हैं, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे, वो खाली भाषण दे जा रहे हैं। महोदय विषय दो है, विषय है कि जो जनरल कटाव की बात गंगा नदी की होगी उसका जवाब तो महोदय जल संसाधन विभाग देगा, ये चूंकि जुड़ा हुआ पीपा पुल से इसलिए मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। और महोदय जानते हैं आपकी जैसे जैसे पानी घटता है वैसे वैसे जो अप्रोच रोड पीपा पुल का है वो छूटता जाता है, उसको ऐड करना पड़ता है। और आप यह भी ध्यान में आपको होगा कि इस पीपा पुल के लिए हम लोगों ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पहले ये पीपा पुल के बड़ा नजदीक था, लेकिन जब अब इधर के पूर्वी हिस्से को तोड़ने की योजना बन गई है तो अब उसको पीपा पुल को दूर किया गया, तो हाजीपुर की तरफ जो अप्रोच उसका है वो प्राइवेट जमीन पे, तो जब पानी घट रहा है महोदय तो वहां गैप होता है और उसके कारण कभी कभी कठिनाई जब जब होती है तब तब उसको ठीक करने का काम का निर्देश दिया गया है और लगातार उसको 3 बार ठीक किया गया महोदय। और मैं फिर माननीय सर से कहता हूं कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जब भी ऐसी स्थिति आती है
प्राइवेट जमीन वाले समूह ने बातचीत भी किया हमारे विभाग के लोगों ने और बातचीत करके सहमति बनाया है ताकि लोगों को कठिनाई नहीं। अगर शिवचंद्र बाबू को लगता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो जाने वाला है, खराब हो गया है, आप कहें मैं पीपा पुल हटा लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।